बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय एडवोकेट सैफ अली मुगल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाटाणे मां। अज जो टॉपिक असो पार्टी स्टो सूट के हवाले से, जो ऑर्डर वन में जेके भी रूल्स हैं, रूल वन का वी 13 ताई असा उन हवाले में उन क्यूरीज उनके भी क्वेश्चन एंड डाउट्स जेके भी असा फ्रेश ग्रेजुएट के जहन में उन्होंने या प्रैक्टिसिंग लॉयर के जहन में उन्होंने कवर कंदे, ताकि जी अपकमिंग एग्जाम्स हैं या प्रैक्टिस के दौरान जेके भी क्यूरीज इंदियन वे सभी हल थी सकन। असे कें भी प्रैक्टिसिंग लॉयर या लॉ गेट के स्टूडेंट के एग्जाम में का परेशानी न अचे। तो अस स्टार्ट क्यों तो रूल वन का, तो रूल वन तो चाहे रूल वन के हवाले से पार्टीज टू सूट में रूल वन एक्चुअली उनको कड़ो बारे में तो बुधाए। तो रूल वन चाहे तो हु मे बी जॉइंट एज प्लेंटिफ, प्लेंटिफ केयर थी सके तो प्लेंटिफ हर वो शख्स प्लेंटिफ थी सके तो जो सूट प्रॉपर्टी में, जो सूट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए। हाँ इंटरेस्ट वो कड़े भी किस्म जो इंटरेस्ट हों, फॉर एग्जाम्पल किथे टाइटल जो, टाइटल मीन्स मिल्कियत, मिल्कियत जो कें भी प्रॉपर्टी की मिल्क टाइटल जो को अची वे या डिक्लेरेशन एक्स वाई जेड जी भी सूट प्रॉपर्टी में तुम इंटरेस्ट अगर कें इन्वॉल्व हों, तो प्लेंटिफ सड रही जो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ये ना तो प्लेंटिफ एकड़ो हों, प्लेंटिफ खोड़ भी सकता। प्लेंटिफ की तादाद तमेशा प्लेंट में डिठो हों, जो शुरू में सेक्शन मौजूद हों, इतना तो तुम कोर्ट जो नेम हों, ठीक है वो तेको सूट नंबर जो भी हों, फर्स्ट क्लास सूट या जो भी सिविल सूट हों, वो इतने प्लेंटिफ की तादाद लिखी होंगी, ठीक है प्लेंटिफ की तादाद वो इतने एज प्लेंटिफ्स लिखनी हो। तो है एक्चुअली तादाद होंगी प्लेंटिफ्स की, प्लेंटिफ एकड़ो भी थी सके तो खोड़ भी थी सकन था, हर वो शख्स थी सके तो जो सूट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जे, उनके असा प्लेंटिव चवंदा आयो। हाने हन अगते प्रोसीड करन का पहिरो एकडी शॉर्ट इंफॉर्मेशन मा ताके दींदो ना, रिगार्डिंग रिगार्डिंग ता जो सीपीसी में जेके एकडी डिवीजन ना सेक्शंस एंड ऑर्डर्स के हवाले सा वो मास ने तो प्रोसीड करन का पहिरो वो मा ताके बुधाईंदो ना, ताके कें भी असे लॉ के ग्रेजुएट के प्रैक्टिसिंग लॉयर के एकड़ी अनसर्टेनिटी या डाउट न रहे। एक्चुअली ये सेक्शंस एंड ऑर्डर्स हों, हाँ सेक्शन एंड ऑर्डर के विच में डिफरेंस यो है, तो सेक्शन एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर, और इट टेल्स यू अबाउट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ प्रोसीजर। हाँ प्रोसीजर जो बेसिक प्रिंसिपल तक सेक्शन बुधाई, फॉर एग्जाम्पल जो सेक्शन 27, हाँ सेक्शन 27 एक्चुअली तक चो तो समन टू बी सर्वड, समन टू बी सर्वड द एडवर्स पार्टीज, हाँ एडवर्स पार्टीज के जो समन सर्व हवाले से बेसिक प्रिंसिपल तक बुधाए तो। हाँ समन किए सर्व कें प्रोसीजर है एक्स वाई जेड सी जी डिटेल आई डिटेल दिनी वी है वो तक डिटेल ऑर्डर फाइव में, ऑर्डर फाइव में तीन कंप्लीट डिटेल दिनी वी एक्चुअली समन जहा कड़ो कड़ो प्रोसीजर हों, स्टेजेस में समन गुजर एक्चुअली सेक्शन 27 एक्चुअली टेल्स यू अबाउट दी सेक्शन 27 एक्चुअली टेल्स यू अबाउट दी बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑर्डर फाइव, ऑर्डर फाइव तक बुधाई, ऑर्डर फाइव तक उनकी डिटेल बुधाई, जो बेसिक प्रिंसिपल सेक्शन तक बुधाई। तो हाँ इन फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 26 तक इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से हों, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कड़े हवाले से हों, कड़ी शना इंस्टीट्यूशन में सूट सूट जो तक माना जो ऑर्डर हों, तड़े किस्म से माना जी भी डिटेल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से वो तीन ऑर्डर फोर में मौजूद होंगी, ऑर्डर फोर तक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से बुधाई। ऑर्डर फोर में अगते तक बुधाई तो सूट जब सूट कड़े तरीके से इंस्टीट्यूट थोड़ा उनका जरिए, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट जरिए
The order 6 तां के वधिक तां के plant दे plant essentials जेकोन order 7 में मौजूद हैं तेरे section 6 actually की बुनियाद में दी इकड़ो basic principle तां बुदा चलो एड तरीके सां first appeal section 96 आये तहां जो order 41 हाँ ये तां के first appeal तां बुदा first appeal थीं दी हो आने जेको complete procedure first appeal जो complete detailed procedure जेको भी हों दो होता जो order में मौजूद हों इने को सेकंड अपील ऑर्डर ऑर्डर सॉरी सेक्शन 100 वरी को ऑर्डर 42 में ता जो कंप्लीट जेकी भी डिटेल होंदी सेकंड अपील जी वो ता जी हन में हन सजे उन ऑर्डर्स में मौजूद होंदी तो एक इंफॉर्मेशन हुई जेकी शायद एकड़ी मास ने तो हर फ्रेश ग्रेजुएट जे ज़हन में ये एकड़ो डाउट हों तो एक्चुअली सेक्शंस एंड ऑर्डर्स के बीच में केरो डिफरेंस आता एक्चुअली यू ही डिफरेंस आता हिन के अलावा सेक्शंस आई ऑर्डर्स के अमेंड करण वार केयर होना हाने सेक्शन के अमेंड करण वार एक्चुअली असन प्रोविंशियल असेंबलीज होनी होन तो हमेशा सेक्शंस जे फॉर एग्जांपल ता को भी सीपीसी जो ता किताब खणी दिसंदो तो हन में ता जो पंजाब अमेंडमेंट सिंध अमेंडमेंट एनडब्ल्यूएफपी एंड अमेंडमेंट जे को भी होंदो सेक्शंस मुताबिक सेक्शंस मुताबिक वो ता जी प्रोविंशियल कंसर्न प्रोविंशियल असेंबली कंदी आ पंजाब अमेंडमेंट थिंदी तो उए पंजाब जी प्रोविंशियल असेंबली कंदी अगर सिंध नो सिंध असेंबली कंदी तो वो सेक्शंस वारो जो पोर्शन में अमेंडमेंट थिंदी आ हो ता जी प्रोविंस कंसर्न प्रोविंशियल असेंबली कंदी आ ऑर्डर्स जी तरह कतर गाल के ता ऑर्डर्स जी अमेंडमेंट सेक्शन 128 मुताबिक रूल मेकिंग कमेटी कंदी आ सेक्शन 128 मुताबिक ता जो हाई कोर्ट रूल मेकिंग कमेटी हाई कोर्ट रूल में रूल मेकिंग कमेटी जे किया एम्पावर थेला ठेला सेक्शन 128 मुताबिक जे में मुख्तलिफ जस्टिस होना इन कंसर्न हाई कोर्ट जा आई डिस्ट्रिक्ट जजेस होना डिस्ट्रिक्ट जज होना आई बाय एडवोकेट्स आई कुछ सीनियर सिविल जज तकड़ी एकड़ी पूरी कमेटी ठहल होंगी जे की तहां जे ऑर्डर्स के डिटेल्ड जो ऑर्डर्स होना एकड़ो प्रोसीजर होंदो हमने के अमेंड कर दिया तो उस जो अमेंडमेंट जो जेको भी जेको भी जेके भी कार्रवाई हैं जेके भी अमेंडमेंट थींदी हैं वो हाई कोर्ट रूल मेकिंग कमेटी कंदी आ तो हे हो हे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जेकी शायद मां समझा तो ये कवर थन खपे हर टॉपिक में ताके असा के भी फील्ड के भी सब्जेक्ट के इनिशिएट करण का पेरो हन शे के सुठे नमूने सा कवर कर सकूं ताकि जे डिफरेंसेस का बरंदा तो शयो भी सुठे नमूने सा क्लियर थी सकन दियो तसा सेक्शन सॉरी रूल वन सा कवर कर से हु में भी जॉइंट एज प्लेंटिफ प्लेंटिफ हर वो शख्स जें जो सूट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व जो हन के असा प्लेंटिफ चई सबूता हिको जे अबोजन केतरा भी जन प्लेंटिफ जी तादाद का भी डिफाइन ना है सिर्फ प्लेंटिफ जो इंटरेस्ट जेको जे वो सूट प्रॉपर्टी में वो एड्रेस थन खपे वो जो प्लेंटिफ जेकन वे उन वे प्लेंटिफ चवर वे हर वो शख्स प्लेंटिफ चवराइंदो जेको जें जो इंटरेस्ट सूट प्रॉपर्टी में मौजूद होंदो त रूल 2 जे तो पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट सूट फॉर एग्जांपल अच्छी हूं प्लेंटिफ अच्छी है एबीसीडी हाँ एबीसीडी प्लेंटिफ अच्छी है तो हनन वट मुख्तलिफ कॉज ऑफ एक्शन साइन बट कॉज ऑफ एक्शन साचियन एबीसीडी आई वो एकड़ो सूट इंस्टीट्यूट तक वो कोर्ट कदे भी वो सूट इंस्टीट्यूट न कंदी जे में पार्टी सेम होजन एंड कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट होजे हाँ फॉर एग्जांपल ए बी सी डी हाँ हिन जो कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है हिन जो कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो कोर्ट ऑर्डर कंदी तो हिन लाइ अलग सूट इंस्टीट्यूट थींदो इन लाइ अलग सूट इंस्टीट्यूट थींदो कदें भी हिकड़े सूट में ब कॉज ऑफ एक्शन कदें भी मेंटेन न थींदा कदें भी फिक्स न थींदा कदें भी उन्हें के एडजस्ट न कयो वेंदो बिन कॉज ऑफ एक्शन ते अगर कोर्ट ऑर्डर पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल तो उन्हें जा डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन अदर डिफरेंट कोर्ट ने ऑर्डर दिए तो हनन जा ट्रायल भी डिफरेंट जण कपन रूल 3 हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट हर डिफेंडेंट सके के जॉइन करेंगे से डिफेंडेंट हर वो शख्स जेखा तवा जेखा तवा रिलीफ क्लेम कर सको तो फॉर एग्जांपल
वर्सेस बी हाने हे ते डिफेंडेंट आ बी ते डिफेंडेंट आ इन जो रोल एज अ डिफेंडेंट जो करे हने के इन की का भी फरियाद होंदी इन जो को भी इन प्लेंटिफ हे इज अ प्लेंटिफ ते पांजो रोल अदा कंदो ए हे इज अ डिफेंडेंट रोल अदा कंदो इन जी फरियाद इन जो का भी एडो रिलीफ क्लेम जेको भी थणो हो हो बी मथिंदो जेको डिफेंडेंट एज अ डिफेंडेंट के भी सूट में होंदो तो हे तो हु मे बी जॉइंट एज डिफेंडेंट डिफेंडेंट जेका ता रिलीफ क्लेम करे सको अने एक रूल रूल 4 जो तो कोर्ट में गिव कोर्ट मे गिव इट इज टेलिंग अबाउट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ कोर्ट द कोर्ट जी कड़ी डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट मे गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज कोर्ट अगर चाहे तो हुन डिफेंडेंट के खिलाफ हुन फर्द के खिलाफ सिर्फ स्पेसिफिकली हुन फर्द के खिलाफ तांजे डिक्री पास करे सके थी रिलीफ तांजे क्लेम जेको भी थलंदो हुन हुन मानू के खिलाफ डिक्री पास करे सके थी जे खां तांजो रिलीफ यानी रिलीफ क्लेम थेणो आ फॉर एग्जांपल तांजा इते ए बी सी डी ई अने फॉर एग्जांपल तांजो रिलीफ क्लेम थेणो आ सी का तो कोर्ट सिर्फ ए सिर्फ डिक्री पास करदी सी दे खिलाफ बेन सबनी के छड़े दी जेखा तां जो रिलीफ क्लेम थेणो आ कोर्ट उन जे खिलाफ ही जजमेंट पास करदी यो कोर्ट जो डिस्क्रिशनरी पावर आ है तो एतो तो कोर्ट में भी गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज अगर जाथे भी या बिन का कवर थे या ट्रिन का तां जो क्लेम थे या चैन का क्लेम थे तो हो जे कुआ कोर्ट जे मथा है तो हो केतरन जे खिलाफ अगर तां जे चैन जे खिलाफ तां जे जजमेंट थी चे तो उन चैन ही जे खिलाफ ही डिक्री पास थी तो कोर्ट जो डिस्क्रिशनरी पावर है ते बुधाए तो रूल 4 में हाँ रूल 5 तो डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ द रिलीफ क्लेम हाँ रिलीफ क्लेम तां जो सिर्फ जरूर ना है तो सिर्फ एकड़े का ही सजो क्लेम थे रिलीफ तां जो अगर डिफेंडेंट पार्टीज जेतरी भी अगर डिफेंडेंट जेतरा भी आहन तो उनन मां थोड़ो थोड़ो पोर्शन भी अगर करना रिलीफ क्लेम थणो आ तो थिंदो फॉर एग्जांपल ए सूट इंस्टीट्यूट ए जेको आ मुकदमो तो करे बी जे खिलाफ ठीक आ तो फॉर एग्जांपल अगर सी का भी अगर ता के कुछ डायरेक्शन सी के डायरेक्शंस लेणी होन या डी के डायरेक्शंस लेणी होन तो हो कोर्ट जेको आ कोर्ट होते हिकड़ो पांजो माना उनके डायरेक्शंस दींदो सी के या डी के तो बाबा हेते तहां जो रोल तहां जो केड़ो आ माना रोल उनके डायरेक्शंस दींदो तो जेको भी रिलीफ क्लेम थणो आ वो सी एंड डी जे खिलाफ सी एंड डी जे खिलाफ कोर्ट उनके डायरेक्शंस दींदो बाबा तहां जो भी एतरो हन एज अ डिफेंडेंट तहां जो एतरो रोल हेते तहां जो रोल हिकड़ो थे तो आई हते ता रिलीफ ता जो इतरो ठए तो जेको ता के ए के नेणो तो जरूरी ना है त सजो रिलीफ जेको एकडो बी का ही थिंदो अगर ता जो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार के ता के डायरेक्शंस देणी हन रजिस्ट्रार में ता जके भी रिकॉर्ड में अमेंडमेंट करानी है तो पता रजिस्ट्रार के पार्टी ठाई दो तो ता जो रजिस्ट्रार का भी रिलीफ क्लेम थणो आ ता जो अगर फॉर एग्जांपल मुख्तियार कर है तो पैदा का भी रिलीफ क्लेम थणो आ तो उनके भी ता पार्टीज ठाई दो तो मुख्तलिफ पोर्शन में ता जो रिलीफ क्लेम थी तो जरूर ना तो सोलोली ता जो एकड़े जे मथा ही ता जो रिलीफ थणो आ तो एकड़े जे मथा ही ता उनके सूट इंस्टीट्यूट कंदो उनके एज अ डिफेंडेंट उनके ठाई दो दैट द डिफेंडेंट नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम सही गल जी मत डिफाइन करे तो माना पोर्शंस में भी थी सके तो रिलीफ ता जो पोर्शंस में भी क्लेम थी सके तो ताने रूल 6 चे तो जॉइनर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट हाँ प्लेंटिफ की मर्जी है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्लेंटिफ की मर्जी है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मुख्तलिफ पार्टीज के ऐड कराना चाहे एट एनी लेवल एट एनी स्टेज तो प्लेंटिफ उन पार्टीज के जेके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हुई वो एट एनी स्टेज उनके ऐड करा सके तो तो रिगार्डिंग आर्टिकल रूल 6 रूल 7 तो व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट हाँ प्लेंटिफ चे तो मुझे हक तो आ है मुझे हक तो ठहे तो पर उनके डाउट आ हो चे तो मैं के खा रिलीफ क्लेम क्या मैं केड़ के डिफेंडेंट ठाया के न ठाया
द प्लेंटिफ हर हुन शख सके एज अ डिफेंडेंट कंदो जे में उनके डाउट होंदो फॉर एग्जांपल ए प्रॉपर्टी वर्ती बी का बी प्रॉपर्टी वर्ती सी का एंड सी प्रॉपर्टी वर्ती डी का तो हाने हेजने रजिस्ट्री कराण वयो हेजने रजिस्ट्री कराण वयो तो बी का जमीन वरती तो हे चन तो बाबा जने मालूम थी दस्त बाबा ने जी बी जे नाले जमीन आई तो दाई रजिस्ट्री किन तो वरी बी जने वरी सी का मालूम पेंदो जने जने बी रजिस्ट्री कराण विंदो तो बाबा हो चन सी जे नाले ते होंदी छ जमीन होंदी वो जी चेक कराइंदो तो सी जे भी नाले भी ना है तो को सी भी जे को एज अ पार्टी सा उन में ठाइंदा से चकर में डाउट जने सी सी जने डी जे तरफ विंदो तो बाबा हे प्रॉपर्टी हे प्रॉपर्टी आया तुझे नाले आए या ना है रजिस्ट्री थे ला या ना है अगर डी जे नाले ते ये प्रॉपर्टी आए तो को हाने ए एंड डी हाने हे ए छा कंदो ए हन बी सी एंड डी हन ट्रेनिंग के पार्टी ठाइन जो छोकर डाउट में गाली वन हन के तो डिक्लेरेशन खपे ना हे डिक्लेरेशन तो छोकर डाउट में आने खबर ना है तो मके के खिलाफ क्या बी जे खिलाफ क्या सी जे रजिस्ट्री ते के जे ना है थे हमेशा हते कल सिस्टम ये तो ले त माना स्टैम्प पेपर ते ही तहां जी जे इन्वेस्टर्स हन खास कर जे इन्वेस्टर्स हन स्टैम्प पेपर ते ही स्टैम्प पेपर ते ही आजकल जे के भी सेल एंड परचेस जा मामला स्टैम्प पेपर दे छकर टैक्सेस हायन तो रजिस्टर के रजिस्ट्री का बचन लाए वो स्टैम्प पेपर जो सार वठी करे अते पांजो जे को बिजनेस आउ कैरी करना तो इते आंसर करे तो हे ए पार्टी का तो बी के भी सी के भी डी के भी पो कोर्ट अगर चाहे जेखा रिलीफ क्लेम थी दो उनके जेखा रिलीफ ने उनके इंटैक्ट रखन दी बैन के उनका उनके मना उन सूट मा कड़ी चली नी तो जेमार रिलीफ क्लेम थी दो उनके इंटैक्ट रखन दी आई को उन जे नाले सा हो मना उन जो जे की डिक्लेरेशन दी वो उन जी ए के मिली नी दी तो जो व्हेन प्लेंटिफ इज इन डाउट फ्रॉम होम रिडेस इज टू बी डन द वो सॉर्ट डाउट में तो हन सबनी पार्टीज के सो ठाइंदो जेखा उनके डाउट तो मुजो हन का भी जेको आ मुखे हन का भी हक मिली सके तो माने का भी रिड्रेस थी सका तो उन पार्टी हर हन प्लेंटिफ हर हन शक सके हर हन शक सके पार्टी कर सके तो जे में हो डाउट हो तो ये ना है तो फॉर एग्जांपल ता तपेदार के हो तो मुख्तियार करके ना के हो ताकि डाउट आ तो तपेदार भी ना पार्टी थिंदो मुख्तियार कर भी थिंदो रजिस्ट्रार भी थिंदो एक्स वाई जेड जेके भी पार्टीज ता जी हो जन तो उए ता उनके एज अ डाउट जो बुनियाद ते सबनी के एज अ पार्टी कर सको ता उनके एज अ डिफेंडेंट कर सको ता पोक्ते तक बुधाई नम तो हो कि उनके कोर्ट तो उनके खिलाफ नहीं दी ता जाथा ता जो ता के हक मिलनो वो ता के किए डेयरिंग दी है कि उनके खारिज कर सके सूट में ए हाने अक्ते आ है रूल 8 वन पर्सन मे सू और डिफेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम पार्टीज तो हन में ये तो क्रिमिनल में ही होंदो अक्सर क्रिमिनल में ही होंदो अक्सर तो फॉर एग्जांपल 10 जना अक्यूज्ड हन तो 10 जनन के मौजूद मौजूद जणो उन दी हाजिरी लगंदी पर हन में सिविल में ये ना है सिविल में ही आए तो जेकर 10 जना डिफेंडेंट आन या 10 जना प्लेंटिफ आन तो हो उन के पावर ऑफ अटॉर्नी इकड़े के दई करे या इकड़े के रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करे उन के अगते आन तब हे असा जे जेके भी कारवाई जेके भी प्रोसीडिंग सुन थीनियो उन में हे असा जे असा के रिप्रेजेंट कंदो जेकी भी डिग्री आई जेकी भी जजमेंट डेटर जेको भी जजमेंट जेको माना थियो या जेको भी असें खिलाफ फैसलो आयो या हकम में आयो वो एज अ यो हिकड़े जे ये ना हो तो माना हिकड़े जे खिलाफ जेको रिप्रेजेंट कदो ना खिलाफ दो वो रिप्रेजेंटेटिव पावर ऑफ अटॉर्नी निकरे सबनी के रिप्रेजेंट कदो तो क्रिमिनल में ये ना है क्रिमिनल 10 जना अक्यूज्ड हन त 10 जनन के मौजूद जणो आ वो अलग गल तो अगर कोर्ट ता के डिस्पेंस विद करे ती रियायत दई छडे ती कोर्ट के तो दैट्स अनदर थिंग पर हिते सिविल में ताके डिफेंडेंट के भी रिलीफ आ तो प्लेंटिफ के भी रिलीफ आ तो प्लेंटिफ भी पंज रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करे सके तो आई डिफेंडेंट भी मुंतखब करे सके तो हाने रूल 9 चे तो मिस जॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर हां मिस जॉइंटर छा है का एडी पार्टी जकी गैर जरूरी आ उन के ता मुकदमे में ता इनकर छियो तो हो एज अ मिस जॉइंटर थिंदो ए जको नॉन जॉइंटर दो के भी अहम पार्टी के
अहम पार्टी के तां ज्वाइन न करायो तो वह नॉन ज्वाइंटर थी वेंदी. फॉर एग्जांपल का प्रॉपर्टी आहे हाने ए जो एंड बी जो एंड सी सी भी तां जो ज्वाइंट डोनर कहीं भी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी एंड मेन जो को भी मैटर आ को भी टाइटल जो मसलो के मिलके हे जे तो हे प्रॉपर्टी मुजी है हे भी जे तो हे प्रॉपर्टी मुजी है. ठीक है त हन में अगर अगर कोर्ट चाहे अगर कोर्ट चाहे अगर हाने हे मतलब हे बता हे जे केन हे जॉइंट ओनर हे एंड ता जो नेसेसरी पार्टीज हिनन का सिवा प्लेंटिफ ना है प्लेंटिफ को भी दावा ना तो दाखिल कर सके ने का अगते कार्रवाई हंदी ना जो कर एन जो नेसेसरी पार्टीज जो होन लाजिम आने. अच्छा तो मां ने ता के जॉइंट कांसेप्ट तो बताया तो एक्चुअली रूल 9 है रूल 10 जो मुताबिक तक की है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर में फर्क थी सके तो मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर में की है पार्टीज जे के हैं वे एक्ट कनु हैं हन वे केड़े तरीके से के भी सूट जो हिस्सा उठाई सकन थी एंड के भी सूट का बाहर हो सके. फॉर एग्जांपल हे प्रॉपर्टी आ है हाने हन जो क्लेमेंट जे को आ ए भी आ है एंड बी भी आ है ए वर्सेस बी. ठीक है एंड सी जे को आ इन जो को जॉइंट एंड जॉइंट ओनर आ. ठीक है अगर किन भी टाइटल जी किन भी प्रॉपर्टी जे टाइटल जो मसलो आ ता अगर ए मुकदमो कंदो बी या सी ते त हे भई एज अ नेसेसरी पार्टी रिएक्ट कंदा एज अ नेसेसरी पार्टी उन सूट में ये हन के जॉइन करा दी दो. नेसेसरी पार्टी ठीक है आई फॉर एग्जांपल हते डी आ जेको किराएदार आ हे आ टेनेंट टी ई एन ए एन टी वारो टी ई एन ई एन टी वारो ना हे आ टेनेंट हे किराएदार आ हे इयो जेको आ प्रॉपर पार्टी आ प्रॉपर पार्टी. ठीक है हाँ फॉर एग्जांपल हे भाई भायरन त हन जी का सिस्टर आ जेकी इया हाँ हन का राइट सू लिखायो होयो आ त हे की पार्टी में ए हन हन का राइट हाँ इयो जो मुकदमो थयो आ त हन के चंता असा हन के एक्स पार्टी करे इन का पंज राइट सू लिखाय करे अते असा प्रोसीडिंग ता जे नाले कर, टाइटल कन्वर्ट थिंदो असा के पंजा पैसा मिलिंदा तो ते कर ई का जेको आ एक राइट सू लिखाय ने इन खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करण जी के साजिश के हन बिनी भारन त ई जो ई ई के हन मना इन के पार्टी न कर के भी सूट जो अगर फॉर एग्जांपल ई के खबर थी पई ने सूट जो दौरान अगर ई के खबर पई थी ने तो बाबा मुंजो इन मुखे राइट टू सू लिखाय हुआ ये मुजे खिलाफ साजिश ता कन या हन के जेको आ माना एक्स पार्टी करण जो इरादो आ जेके अगर खबर थी पई जने त हे एकडी एप्लीकेशन नी दी ई जेके सिस्टर आ ए बी एंड सी जी एकडी एप्लीकेशन नी दी नॉन जॉइंडर जी हे कोर्ट सगुरी के चवंदी त मुखे हन सूट में पार्टी कह वने जो कर मां नेसेसरी पार्टियां मुजो हन सूट में हुजन तमाम घणो लाजिम आ त हन के नॉन जॉइंडर जी एप्लीकेशन नी दी हाने नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर के नेसेसरी पार्टी के एडी पार्टी के उन जो राइट टू सुलिका या के एडी एडी का पार्टी जेखे के भी मुकदमे में जेको उन में उन के न कयो वने के भी पार्ट न कयो वने त तहे करे हो एक नॉन जॉइंडर जी एप्लीकेशन नी त मुखे हन सूट जो हिस्सो ठा वने. हाने नॉन जॉइंडर जी एप्लीकेशन का अलग सी डेफिनेशन अलग का एप्लीकेशन ना है जने नॉन जॉइंडर जी टाइटल सा हो जे त हन जी नॉन जॉइंडर जी एप्लीकेशन जे की लिखंदा से असा वो ऑर्डर 1 रूल 10 जे हिसाब से एप्लीकेशन लिखी दी त मुखे हन सूट में हिस्सो ठा वने बी ए सी सा गड मिलायो हन सूट में मुखे बी ए सी सा मिलायो ताके मुखे पंजो राइट भी मिली सके
को भी मुझे राइट न लिखा है तो ये की एप्लीकेशन ऑर्डर 1 ए रूल 10 जी ठान दीजिए को मान के लिखो ऑर्डर ऑर्डर 10 में हेन में ऑर्डर 10 में ऑर्डर 10 सॉरी ऑर्डर 1 रूल 10 जेता है की एप्लीकेशन ठान दी जे में नॉन जॉइंडर जेकडो सब्जेक्ट नो तो ए उन के पार्ट 2 सू के हो एड़ी तरीके से जेको डी आ जेको किराएदार आ हो इज अ प्रॉपर सूट आ हो एज अ प्रॉपर पार्टी आ उन जो सूट में होजण या ना होजण सा फर्क न पोंदो पर होजण सा इनसा इन लाइ फर्क पोंदो तो वो कोर्ट सवरी के बुधाइंदो तो मां एक्चुअल में हिस्सो मां जेको भी एग्रीमेंट कयो मां जेके जेको भी किरायो दिनोम हो केखे दिनोम मां इधर मां ए के दिनोम या बी या सी के दिनोम तो वो एक कोर्ट सवरी के इंसाफ जा पैरामीटर्स के माना उनके जांचण लाए या उनके प्रोसीडिंग के स्मूथ वे में हलाण लाए एक सहूलत थी ते करे के प्रॉपर्टी प्रॉपर पार्टी चाहिए बो तो है ना जो को खास एडो रोल ना दो यो अगर निकली वने तो कोई फर्क ना पांदो तो अगर चे तो डी चे तो हनन मुखे एकडो मुजी जरूरत ना है सूट में वजन जी लेकिन मुखे इन सूट में बाहर कढ्यो वने तो ते करे एकडी एप्लीकेशन दींदो मिस जॉइंडर जी मुखे इनन मिस जॉइन करे छड्यो आ के भी सूट में हालांकि मुजे कम ना है एप्लीकेशन दींदो मिस जॉइंडर जी जेकी लिखी वेंदी अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 मुताबिक मिस जॉइंडर जी हुजे या नॉन जॉइंडर जी हुजे एप्लीकेशन जेकी भी होंदी मिस जॉइंडर जी या नॉन जॉइंडर जी हो ऑर्डर 1 रूल 10 मुताबिक ही होंदी तो हे रिगार्डिंग छजबा ऑर्डर 1 जे मुताबिक पार्टीज पार्टीज टू द सूट मुताबिक जेके भी प्लेंटिफ्स आहन एंड डिफेंडेंट केयर थिंदो आ ए कुछ डिस्क्रिशनरी पावर मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर जे सब सेकडो एकडो ब्रीफ सो इंट्रोडक्शन हो ता वधिक जदे भी न जो टेक्स्ट पढ़ंदो सीपीसी में ताके वधिक शेम क्लियर थिंदो ता आखिर यो एक्चुअल में चाहे छा तो ते कुछ मां हन फर्स्ट पार्ट में कुछ जेको रूल्स का कैन रूल 1 का उठी 10 अच्छा है कुछ रिमेनिंग रूल्स हैं जेके पार्टीज टू सूट जे हवाले से हैं जेको ऑर्डर 1 सा पढ़ो से 1 टू 10 सा पंज पास टू में पढ़ो से है जेके हाने से कर करानो रूल 11 12 13 ये शॉर्ट है एक प्रिसाइज कांसेप्ट्स हैं इन जी का डिटेल ना है पर है तो रूल 11 है रूल 11 जो कुछ तो कंडक्ट ऑफ सूट हाने कंडक्ट ऑफ सूट छ हन में कोर्ट जो डिस्क्रिशन पावर देखा रहेगा द कोर्ट मे कोर्ट जो डिस्क्रिप्शन पर लिखा रहेगा तो कोर्ट में अगर कोर्ट चाहे तो कहे भी शख्स के कंडक्ट सूट जा पावर दे सके थी कहे भी शख्स के कहे भी मुकदमे के हलाण जा पावर दे सके थी तो एविडेंसेस खणी जी सके प्रोसीडिंग में ची छजो पार्टिसिपेट करे कहे भी सूट के अगते प्रोसीड कर सके थी तो हो सजा जेके भी पावर साइन वो कोर्ट डिस्क्रिप्शनरी पावर यूज करे कहे भी फर्द के दे सके थी ताइन लाइम अटैक सीट तो कंदो वाला द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर तो है कहे भी कोर्ट जो जो को यो डिस्क्रिप्शनरी पावर लेकर दो कोर्ट कहे भी शक सके दे सके थी जिग में जेके को सही समझे तो हाने सामुता रूल 12 की तरफ रूल 12 चाहे तो अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडर फॉर अदर्स हाँ रूल 12 चाहे तो अगर कोई भी शख्स अगर चाहे तो पेंजे प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स के रिप्रेजेंट कर सके तो कहीं भी मुकदमे में अगर डिफेंडेंट तमाम घणा तो उन सबनी जी नुमाइंदगी एकड़ो डिफेंडेंट कर सके तो या जे मानू के हो पांजो पावर ऑफ अटॉर्नी दींदा वो मानू अची करे अगते उन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कंदो जेके भी वे प्रोसीडिंग थींदी उन में वो अपीयर थींदो कोर्ट जे तरफा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ्स ते रूल 12 रूल 13 चे तो ऑब्जेक्टिव इज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर हाने रूल 13 में चवे ता ऑब्जेक्शन जेको मिस जॉइंडर ए नॉन जॉइंडर जे हवाला से लगाण चाहे ता तो वो ता एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ता अवेल कर सके ता एक अर्लीस्ट स्टेज ते ता जेको नॉन जॉइंडर ए मिस जॉइंडर जो
प्ली रेज करे सको था ता उन जो ऑब्जेक्शन रेज करे सको था पर असा जदे रूल 10 में पढ़े से रूल 10 में तो चेप न एट एनी स्टेज तो यू कुड कॉन्फ्लिक्ट अच योर रूल 10 ए रूल 13 जे बीच में पर रूल 13 चे तो अगर 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 को भी ग्राउंड बाद में तो थे रेज थे पर ना बाद में थे तो रेस्ट होते रूल 13 मुताबिक अगर को भी मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर जो ग्राउंड बाद में तो थे यानी प्रोड्यूस थे तो उनके सेटिस्फाई करण लाए तमा एट अर्ली ताकि खबर ना है तो मुझे ग्राउंड ठहे तो या नथो ठहे तो ता अगर खबर ना है तो एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ता वो अवेल कर सको था अगर ता के खबर आ वो ता कदे भी वो जो ऑब्जेक्शन आ रेज नथा कर सको हन में तो इयो हो त जको एट रूल 10 में तो एट एनी स्टेज ता मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर जो ऑब्जेक्शन रेज कर सको था ता पार्टी थी सको था एज अगर ता मिस जॉइंडर आयो तो ता बाहर निकली सको था के भी सूट में खारिज थी सको था अगर नॉन जॉइंडर आयो हो तो ता के भी मुकदमे में के भी सूट में ता पार्टी थी सको था तन जी अगली जकी रूल 13 जो कुछ पेर तो माता के बुधाया ता हे चे तो ऑब्जेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट हाँ इतने क्लियर तो करें चलो अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन अगर ग्राउंड बाद में रेज थे हुआ अगर ग्राउंड बाद में रेज थे हुआ तो वो एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेवर्ड वीवर्ड तो हाँ हे चे तो माना अगर को भी ऑब्जेक्शन अगर बाद में रेज थे हुआ तो उनके तमा इंटरटेन कंदो ता वो इंटरटेन करे सके थी कोर्ट के भी कोई भी अगर ऑब्जेक्शन बाद में थे हुआ अगर मिस जॉइंटर नॉन जॉइंटर की खबर ना है कैसे भी अगर वो बाद में कोई भी जो ऑब्जेक्शन रेज तो करे तो उनके कोर्ट एडमिट कंदी कोर्ट इंटरटेन कंदी।